कुरुक्षेत्र के झांसा गांव में महिला व दो बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। वहीं पत्नी व बच्चों को मृत देख व्यक्ति ने फंदा लगा आत्महत्या का प्रयास किया। मृतक की शिनाख्त रीना 30 साल, रिया 3.5 साल और क्रियास 1.5 साल के रूप में हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके से तीनों शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पति से झगड़े के बाद हादसा हुआ तो पुलिस मामले की जांच में जुटी। परिजन देवराज ने बताया कि राकेश मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसकी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। वह एक निजी कंपनी में काम करता था। कैसे घटना घटी, क्या हुआ? घटना ऐसा है जी कि मैं जब सुबह बाहर सैर करके आया ना, इनके परिवार से है, इनके ताऊ का लड़का है, जो लड़का ने ये कांड किया है उसके पास बैठे थे। और थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वहाँ से चलने लगा। जब ये आवाज़ सुनाई दी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और मैं जब गया ना, घर पहुँचा इनके, हम दोनों उस टाइम इस लड़के के गल में जो कपड़ा था बंधा हुआ, वो कपड़े को काट रहे थे और काटने के बाद उसको नीचे उतार लिया। फिर मुझे किसी ने बोला, अभी आप पंडित जी आप गड्डी निकाल के जाओ। इतने में गड्डी निकाल के ले आया, मैं गड्डी निकाल के ले आया, मेरे से पहले दूसरी गाड़ी आ गई थी, उसमें ये बच्चों को भी उनको भी लेके यहाँ आ गए थे। मेरे सामने ऐसा हो गया। पहले कोई झगड़ा नहीं सुना जी किसी भी प्रकार का। ये इनके परिवार से हैं, सगे हैं, मैं सुबह इनके पास ही बैठा था। इस मामले का इसके बारे में कुछ नहीं पता जी। बंद कमरे के अंदर मामला हुआ, मियाँ बीबी बच्चे सोए आराम से शाम को खा पी के, कोई कभी लड़ाई झगड़े वाली बात से नहीं। बस थोड़ा सा लड़का मेंटली थोड़ा सा वो चल रहा था, जो लड़का अपसेट हो रहा था, दवाई बुट्टी उसकी चल रही थी, सारा कुछ ठीक था, बाकी सारा परिवार और ठीक था। शादी कब हुई थी? शादी को उसके 5 साल के लगे। हाँ जी, लगे आता जी प्राइवेट कंपनी में। हाँ जी, हाँ जी प्राइवेट कंपनी थी, बच्चे थे। ये तो ननेड़ा पड़ता है जी अम्बाड़े के पास गाँव, वहाँ की लड़की थी जी, हमारी बहू थी, भतीजे थे जी, हमारी भाई की बहू थी, मेरे छोटे भाई की।